अवकल समीकरण के वन शॉट वीडियो में सारे उदाहरण लेके आ गया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उदाहरण से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, बाकी मैंने नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी के सभी प्रश्नावली को डिटेल में सॉल्व करा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले हमें बताना है कोटि, कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है। तो अधिकतम यहाँ देखो dy/dx एक बार अवकलज हुआ है तो कोटि हमारी एक है। अब घात देखो, घात परिभाषित होनी चाहिए, मतलब घात होने के लिए बहुपद के रूप में होना चाहिए, तो dy/dx है पूरा बहुपद के रूप में, जहाँ से हमने कोटि देखा है उसी की पावर देखते हैं, कुछ नहीं है तो वन है, तो घात कितनी है वन है। इसमें आ जाओ तो यहाँ देखो कोटि कितनी है, कोटि में बोले तो ऑर्डर कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है दो बार, d2y/dx² और ये d2y/dx² dy/dx। तो ये बहुपद के रूप में है जहाँ से हमने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखते हैं, कुछ नहीं है तो वन है, तो हमारा घात कितना है वन है। आएगा ही आएगा ना कोटि और घात निकालने के लिए। ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, d3y/dx³ और ये ठीक है ey डैश देखो ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो e की पावर में है, e की पावर में क्या दे रखा है y डैश का मतलब dy/dx और यहाँ पर क्या है y² ये दे रखा है। अब इसको आपको बताना है कि ये क्या है ठीक है, अधिकतम कितनी बार है। सो देखो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है तीन बार, तो यहाँ पे जो कोटि है कोटि हमारी हो जाएगी तीन ठीक है, और घात में देखो घात परिभाषित नहीं होगी, क्यों, क्योंकि dy/dx e की पावर में आ गया या किसी के एंगल में चला जाता है तो परिभाषित नहीं होती है, तो घात परिभाषित नहीं है क्योंकि पूर्ण रूप से बहुपद नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोला जा रहा है कि सत्यापित कीजिए y = e^-3x इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। सो हमें यहाँ देखो d2y/dx² दो बार अवकलज एक बार अवकलज, तो हमें वाई दे रखा है, वाई दे रखा है e^-3x एक बार अवकलज करो dy/dx, तो e^-3x का अवकलज e^-3x और x का जो भी गुणज होता है वो -3 है ना, तो वो गुणे में लग जाएगा, इसका दोबारा से अवकलज करोगे d2y/dx², तो -3 तो सामने है और e^-3x का अवकलज e^-3x एक्स का गुणज -3 है वो यहाँ लग गया, यानी कि 3 × 3 = 9 -± ठीक। समीकरण एक इसको दो और इसको तीन बोल दिया, हमें प्रश्न में क्या है, प्रश्न में आ जाएंगे प्रश्न अनुसार, कहीं पे भी डाउट हो ना वीडियो को दोबारा जरूर देखना है ठीक है। सो प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या है, d2y/dx² dy/dx - 6y = 0। अब यहाँ पे मान रखना है d2y/dx क्या है 9 है, e^-3x प्लस dy/dx का मान कितना है -3 e^-3x और ये -6y का मान क्या है e^-3x। सो ये e^-3x -3 और -6 - 9 e^-3x प्लस माइनस के घटक आ गया 0, तो बायां पक्ष लेके चले थे और दायां पक्ष मिल गया ठीक है, अतः y = e^-3x d2y/dx² dy/dx - 6y = 0 का हल है। ये अंत में लिख देंगे ऐसे प्रॉपर वे में ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि ये जो फलन है a और b r से आ रहे हैं, तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ही अधिकतम बार हम अवकलज कर सकते हैं और दो ही बार है इसका हल है। देखो कल करेंगे जैसे अभी किया था, चूंकि
वाई बराबर हमारा ए कॉस प्लस बी साइन एक्स है। दो बार अपक्लस है ना, तो दो बार अपक्लस करो। पहले एक बार अपक्लस करते हैं, ए कॉस एक्स का अपक्लस माइनस के साइन एक्स, बी साइन एक्स का अपक्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो दोबारा से अपक्लस करेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए साइन एक्स का अपक्लस कॉस एक्स, बी कॉस एक्स का अपक्लस माइनस के साइन एक्स, प्लस माइनस टू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये वाई है, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब प्रश्न में आएंगे, बायां पक्ष लेंगे, हल करके हमें दायां पक्ष लाना है। चूंकि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये लेके हम चलेंगे। सो देखो डी टू वाई ओवर क्या है, ए कॉश एक्स माइनस के बी शाइन एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। प्लस वाई हमारे पास क्या है, ए कॉश एक्स प्लस के बी शाइन एक्स। तो प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का कटा, क्या आ गया, जीरो। यानी कि ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अतः वाई बराबर ये इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है, ठीक है, आपके आंखों के सामने आराम से हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो उदाहरण नंबर चार, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है सबके सब, ठीक। यहाँ देखो ये अवकल समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू माइनस वाई, और ये है डी वाई, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस वन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। समाकलन, ये टू बाहर आ जाएगा, डी वाई माइनस के वाई डी वाई, यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स कम डी एक्स, ठीक। वेरिएबल सेपरेबल किया, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, टू डी वाई का समाकलन वाई, वाई की पावर वन है, तो ये समाकलन हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे दो। ये हो जाएगा एक्स की पावर वन है, एक्स स्क्वायर बट्टे दो, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी हो गया आंसर। सदा कलाकारी नहीं करनी है, यहीं पे छोड़ देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम ये उदाहरण नंबर पाँच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, यहाँ से ये गुड़े में जाके बट्टे में आ जाएगा, डी वाई बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये बट्टे इधर आके गुड़े में आ जाएगा डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर, ठीक। हो गया वेरिएबल सेपरेबल, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। सीधा फॉर्मूला है ये, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है टेन इनवर्स वाई का, और ये टेन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो। ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, कुछ दो तीन क्वेश्चन जो किए हैं, ये दो नंबर में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये दो नंबर में आ सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, इसमें क्या बोल रहे हैं, इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल में कंडीशन दी जाती है, और उसकी मदद से हमें जो कांस्टेंट हमें मिलता है व्यापक हल में, उसको हटाना होता है, ठीक है। सो हमें दिया क्या है, देखो हमें दिया है डी वाई बट्टे डी एक्स किसके बराबर है, माइनस के फोर एक्स वाई स्क्वायर के बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, वाई वाले को एक तरफ लाओ, ये गुड़े में इधर के बट्टे में आ गया, और ये बट्टे का इधर के गुड़े में आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर ऊपर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया हमने, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, ठीक है, और इसकी पावर वन है, तो एन प्लस वन, वन प्लस वन टू, बट्टे में वही आ जाता है, सी जुड़ गया। तो ये माइनस के वन बचेगा, माइनस का वाई की पावर माइनस वन नीचे आके प्लस का हो गया, ठीक है, और ये हो गया दो दुनी माइनस के टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमें हमारा व्यापक हल मिला, ये हमारा क्या है, व्यापक हल है, हमें विशिष्ट हल निकालना है। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, वाई का मान एक है और एक्स का मान क्या है, जीरो है, वही आप यहाँ पर रखो। वाई का मान क्या है, देखो भाई वाई का मान है एक माइनस का, और टू एक्स का मान है ज़ीरो, तो ये आ जाएगा सी का मान आपका माइनस के वन आ जाएगा। सी का मान समीकरण नंबर एक में रख दो,
सी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रख दो तो यह आ जाएगा एक बट्टे वाई माइनस के टू एक्स स्क्वायर, सी का मान है माइनस के वन, माइनस दोनों तरफ से ओपन स्टेट रहोगे हट जाएगा, यह आ जाएगा आंसर। और ये हमारा क्या है, विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल में सी नहीं होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बिंदु 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात किया जिसका अवकल समीकरण ये दे रखा है, ठीक है। सो देखो ये अवकल समीकरण में दे रखा है तो हम लिखेंगे गिवन, और बिंदु हमें दे रखा है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बिंदु यानी कि x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है, ठीक है। सो हमें क्या दिया है, x dy और यहाँ पर 2x² + 1 dx, ठीक है। सो देखिए x और ये हो जाएगा 2x² + 1, गड़बड़ क्योंकि dx इधर है ना तो उसको उधर ले जाना है, ठीक है। और ये dy हो गया, गड़बड़ कर रहे थे हम, यहाँ देखो अलग हो जाएगा, यहाँ सिर्फ dy बचेगा 2x² + 1 और ये है dx, तो ये x इसके बट्टे में आ जाएगा और इसके बट्टे में भी आ जाएगा, तो dy यहाँ आ जाएगा 2x और ये है 1/x dx, x को एक तरफ कर लिया, y को एक तरफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, समाकलन, इधर भी समाकलन करना है, इधर भी समाकलन, और dy का इंटीग्रेशन होता है y, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² / 2 और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, 2 से 2 कटा, वाई हमें मिल जाएगा x² + log x + c, ठीक है। ये हमें हमारा वाई मिल गया, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। अब चूंकि 1,1 से जाता है यानी कि x के जगह पर 1 रखना है और y के जगह पर भी 1 रखना है, ठीक, तो 1 x के जगह पर 1, ठीक है, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और लॉग वन का मान होता है 0, तो c का मान आ गया 0, ठीक है। c का मान समीकरण एक में रख दो, c का मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर रख दोगे y x² + log x, c का मान है 0 तो y आ जाएगा x² + log x, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे बिंदु 2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखो दिया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती, प्रवणता बोले तो dy/dx, प्रवणता का मतलब होता है dy/dx, वो क्या दे रखा है, 2x/y दे रखा है, इससे जाती है, इस बिंदु से जाती है, यानी कि x के जगह पे माइनस के 2 रखना है, y के जगह पे 3 रखना है। इस प्रश्न में भी हमें विशिष्ट हल निकालना है, तो ये बट्टे के दरगुड़े में आ जाएगा y dy, ठीक है, और ये आ जाएगा 2x dx। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है, इधर भी समाकलन करेंगे, इधर भी समाकलन करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, y² / 2 और x का हो जाएगा x² / 2, समाकलन खत्म, c जोड़ दिया, 2 से 2 कटा, तो ये हो गया y² / 2 x² + c, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया, ठीक। अब कंडीशन जो दे रखी है वो लिखेंगे, चूंकि यह 2,3 से जाती है, ठीक है, जिस बिंदु से जाती है, x के जगह पे माइनस के 2 और y के जगह पे 3, 3² / 2 और यह आ जाएगा -2² + c, 9/2, ठीक है। सो देखो प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, -4 के बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 1 9, 4 2 8,
ठीक है, तो सी का मान आ जाता है 1/2। सी का मान उठाकर यहाँ रख दो, सी का मान उठाकर यहाँ रख दो, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y² / 2x² सी का मान 1/2 आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, ठीक है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है तो कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो मान लेते हैं, माना टी समय पर मूलधन मतलब प्रिंसिपल पी है, ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि जो दर है, मूलधन यानी कि पी, जो मूलधन में बढ़ोतरी होती है समय के सापेक्ष होती है, यानी कि dp/dt, वो हमें दे रखा है 5% है। ठीक है, 5% की दर से वृद्धि होती है तो dp/dt यानी कि ये हमारा है 5%। तो 5% का मतलब 100, 5 × 5 = 0, तो dp/dt ये हमारे पास है p/20। ठीक है, आगे हल करेंगे, ये आ जाएगा 20 dp/p और इधर आ जाएगा dt। ठीक है, 20 को उधर ले जाओ, dp/p dt/20, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, पी वाला एक तरफ टी वाला एक तरफ, तो दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है बड़े नंबर में, ये वाला उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा लॉग पी, और 1/dt का होता है t/20 प्लस c1। अब एंटी लॉग ले लोगे दोनों तरफ, ये तो पी में आ जाएगा, एंटी लॉग लेने से लॉग हट जाता है और ये जो भी पी में एक ही पावर में चला जाएगा, एक ही पावर में t/20 + c1। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी एक ही पावर x/y क्या होता है, एक ही पावर x/y, एक ही पावर टी, और ये हो जाएगा 1 पावर c1, ऐसे लिख सकता हूँ। मान लेते हैं, माना 1 पावर c1 को मैं सी मान लेता हूँ सुविधा के लिए अपने, तो पी 1 पावर t/20 और इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब देखो प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभ में एकदम स्टार्टिंग में समय जब 0 था तो मूलधन हमारा 1000 रुपये था। ठीक है, ये मान यहाँ रखो 1000, और देखो और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 पावर में टी हमारा 0 है, 0/20 c, किसी की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो सी का मान क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे, ये समीकरण नंबर इसको 1 बोलो, इस मान को उठाकर यहाँ रख दो, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 1000 e^t/20। ठीक है, प्रश्न में ये बोला गया था कि दुगुना कब हो जाएगा, प्रश्नानुसार मूलधन दुगुना कब होगा, समय निकालना ना, पी हमारा 2000 कब होगा। ठीक है, ये हमसे तो पी की जगह पे 2000 रख दो और ये है 1000, 1 पावर में क्या है, t/20, तो ये 1000 × 2000 कटा। आगे हल करते हैं, यहाँ बचा 2, ठीक है, यहाँ बचा 2 और यहाँ है 1 पावर t/20। ठीक है, 1 पावर t/20, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा log 2
और ये आ जाए लॉग ए की पावर टी बट्टे बीस, ठीक है, लॉग ए की पावर एक्स, तो इधर तो आ गया लॉग टू, लॉग ए की पावर एक्स ओनली एक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा टी बट्टे बीस, सिर्फ बट्टे का बीस इधर के गुणे में आ जाएगा, बीस लॉग टू टी, तो कितने वर्ष में हो जाएगा, बीस लॉग टू टी वर्ष में, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि ये जो अवकल समीकरण है वो समघाती है और फिर इसका हल भी ज्ञात करना है, ठीक है, समघाती दिखाने के साथ साथ इसको हल भी करना है, सो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो देखो दिया है, पहले हम डी वाई बटा डी एक्स या डी एक्स बटा डी वाई निकालते हैं, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर है एक्स प्लस टू वाई, और ये जो गुड़िया में इतना के बट्टे में आ गया, एक्स की घात एक, वाई की घात एक, एक्स की घात वाई की घात एक, सबकी घात एक एक है, यानी कि अवकल समीकरण समघाती, ये पता तो चल रहा है लेकिन दिखाना है अभी हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माना एक्स की जगह हम लैम्डा एक्स मानते हैं और वाई की जगह पर लैम्डा वाई, ठीक है, ये रखना होता है। सो देखो ये फंक्शन है हमारा, यहाँ हमें लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखना है, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई, तो लैम्डा देखो ऊपर सुपर निष्ठ आ गया, एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, लैम्डा की पावर वन, इसकी पावर वन, तो लैम्डा की पावर क्या होगा, वन माइनस वन, यह है एक्स प्लस टू वाई और एक्स माइनस वाई, तो लैम्डा की पावर ज़ीरो आ गई, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह शून्य घात वाला, लैम्डा की पावर ज़ीरो है ना, तो ये लिखेंगे अतः यह शून्य घात वाला समघाती अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है, यह आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, उसके बाद आगे हल करना है। देखिए चूंकि समघाती है तो हमें क्या करना होता है, इधर क्या डी वाई बटा डी एक्स आया ना, तो वाई की जगह पे मानना है, माना y बराबर वी एक्स, ठीक है, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाता है, और x के सापेक्ष अब क्लोज करना है dy वाई बट्टे डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्लोज वन, सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का क्लोज। अब क्या करना है, अब y तथा dy वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, इन दोनों के मान को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। देखिए क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी एक्स का मान है v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, और x के जगह तो x रहेगा, y के जगह पर वी एक्स, वाई के जगह पर वी एक्स, टू भी है इसमें, ऊपर से देखो x सुबह निष्ठ है, यहाँ बचा वन प्लस टू वी, नीचे से बचा वन माइनस वी, एक्स ऊपर एक्स एक्स कटा, आगे हल करेंगे, यहाँ से बचेगा एक्स डी वी, और इधर बचा वन प्लस टू वी वन माइनस वी, ठीक है, यहाँ पे है वी, एक्स क्यों लिख रहा हूँ, वी है, प्लस का वी इधर के माइनस का हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा वन माइनस वी, इसके गुणा इसके साथ वही रहेगा, और इसके गुणा इसके साथ वी एक कम वी माइनस के वी स्क्वायर। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2v से एक वी के था एक वी प्लस 1 बट्टे में ये चीज़, और यहाँ है एक्स dv बट्टे dx। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो 1 माइनस v इधर और ये इधर। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल लग रहा था लेकिन है बड़ा लंबा और इम्पोर्टेंट। और dx इधर आ जाएगा, x इधर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लंबा जा रहा है काफ़ी। यहाँ से मैं माइनस उपनिष्ट ले लूँ, अगर यहाँ से माइनस ले लूँ उपनिष्ट, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस उपनिष्ट निकाला था वो यहाँ आ जाएगा, इस तरफ ले लिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से माइनस से तुम तरफ गुणा कर दिया, ये कह सकते हो। नीचे वाला घात पड़ा है कि नहीं, नीचे वाला घात पड़ा है ऊपर से, तो हमें क्या करना था, भाग देना होता है। देखो हर की घात बड़ी है, इनसे तो हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वन, भाग देना होगा वी माइनस वन में, ठीक है। सो कितनी बार जाएगा, हाँ इसको भाग देना है इससे, ठीक है। तो हमें भाग देना है इसका फर्स्ट बट्टे, इसका फर्स्ट, तो एक बट्टे वी आ जाएगा, ठीक, एक बट्टा वी आ जाएगा। लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी ऐसे। अब फिर क्या करते हैं, देखो हमें अंश दिक्कत कर रहा है, अंश दिक्कत कर रहा है, तो ये वाला नियम फेल हो गया, ये वाला नियम फेल हो गया। तो एक दूसरा नियम है, कौन सा नियम है, अंश बराबर जो होता है वो होता है ए डी बट्टे डी एक्स, यहाँ डी एक्स की जगह वी लगेगा, ठीक है। हर का ऑफ क्लच प्लस बी होता है, ठीक है, ये नियम आपने पढ़ा है। तो ए डी बट्टे डी वी, यहाँ पर अंश की जगह पर क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वन और प्लस बी, ठीक, अंश को हम तोड़ के लिखना चाह रहे हैं। सो देखो ए इसका ऑफ क्लच हो जाएगा 2v प्लस एक प्लस बी, और अंश हमारा क्या है, वी माइनस वन, तुलना करो इधर से। सो ये हो जाएगा 2av प्लस ए प्लस बी, ठीक है, तुलना करेंगे। सो देखो 2av का गुणज वन, तो a का मान आ जाएगा 1/2, a का मान क्या आ गया 1/2, और आपका a प्लस बी कॉन्स्टेंट किसके बराबर है, माइनस वन के बराबर है, तो प्लस का इधर आके माइनस का ए हो जाएगा, ए का मान 1/2, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 3/2, ठीक है। तो ए और बी के मान निकल गए, अब ए और बी के मान निकल गए, तो वो मान अब यहाँ रख देना है, कहाँ रखना है, यहाँ पर। सो देखिए अंश क्या हो जाएगा, अंश है आपका ए 2v प्लस 1 प्लस बी, और बट्टे में आपका वी स्क्वायर प्लस वी माइनस के 1, ठीक है, और इधर आपका था माइनस के डी एक्स बट्टे एक्स। ये देखो इस अंश को तोड़ के हमने ऐसे लिख दिया है। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़े नंबर में 8 नंबर में आ सकते हैं, 6 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग ले लेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान आया है हमारा 1/2, और यहाँ पर है 2v प्लस 1, और बट्टे में अलग ले लिया वी स्क्वायर वी माइनस वन, ठीक। बी का मान कितना है, 3/2 माइनस के, ठीक है, और 1 के बट्टे में वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वन डी वी, डी वी इंटीग्रेशन के साथ ले लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब देखो फ़ायदा क्या है, इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, ये फ़ायदा हो जाता है इंटीग्रेशन में, जब नीचे मानने से पूरा ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, तो लॉग में आ जाता है, लॉग वी स्क्वायर वी माइनस वन, ठीक है। और इसका तो नहीं हो पा रहा है, मैं माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, सब जगह माइनस है क्या, प्लस है यार, माइनस माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पर प्लस है, ठीक। तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग हमने कक्षा 9-10 में ही सीखा होगा, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाना मैंने सिखा रखा है डिटेल में, अगर नहीं आता तो देख लेना जाके दोबारा, कक्षा 10 में सिखा रखा है,
और समाकलन वाले चैप्टर में भी सिखा रखा है, जाके देख लेना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा √3/2 का वर्ग, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस के लॉग एक्स। इंटीग्रेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम सी नहीं चुनेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया, बस इसको हल करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन माइनस के 3/2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, 1/a, ठीक है, 1/a टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये सूत्र होता है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया, जहाँ सी हमारा समग्र निर्देशांक। अब थोड़ा हल कर लो इसको, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ये आ जाएगा सिर्फ ऊपर बचेगा √3 टेन इनवर्स 2v प्लस वन, इसके बट्टे में दो है और इसके बट्टे में दो, इससे ये कटा माइनस के लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। आपके पास y बराबर क्या था, vx था, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y/x। आपको आंसर x और y में ही छोड़ना है, ठीक है। 1/2 log, ये हो जाएगा y²/x² y/x+1 √3 टेन इनवर्स 2 y/x+1 √3, और इधर आ जाएगा माइनस के लॉग एक्स प्लस सी, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। और ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, इस प्रश्न में आ जाते हैं। अवकल समीकरण को दिखाना है कि ये समघातीय, समघातीय दिखाते हैं कैसे, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसको हल करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे dy/dx, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, dy/dx, और ये गुणे के तरह क्या हो जाएगा बट्टे में। अच्छा तो डायरेक्ट उधर ही है ना, ये गुणे का उधर के बट्टे में हो जाएगा। ये वाई कॉश, देखो वाई dy/dx क्यों लेना है, क्योंकि वाई ऊपर है एक्स नीचे है, इसलिए dy/dx ही लेना है, और ये गुणे के तरह के बट्टे में आ जाएगा। देखो y की घात एक, x की घात एक, x की घात एक, तो सबकी घात एक एक है, तो ये समघाती है, ठीक है। समघाती कैसे दिखाते हैं, अभी हमने दिखाया था x की जगह पर लैम्डा x रखते हैं, y की जगह पर लैम्डा y, और लैम्डा ओवरनिष्ठ आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वो जिस तो अभी हमने आपको सिखा रखा है वो कर लोगे। अब सीधे हल पे आते हैं, क्योंकि लंबा जाएगा प्रश्न। तो हम क्या करते हैं, माना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना y/vx, तो dy/dx क्या हो जाता है, v प्लस एक्स dv/dx, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के कर देते हैं, y तथा dy/dx का मान समीकरण एक में रखने पर, अतः समीकरण एक से मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा v x dv/dx, y की जगह पर क्या रख दोगे, vx cos y की जगह पे vx/x, ये ऑलरेडी x है, cos vx/x, x से x कटा, ऊपर से क्या है x उभयनिष्ठ, तो x उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा v cos v प्लस वन, x से x कटा, तो यहाँ पर है vx dv/dx, यहाँ है वी कॉस वी प्लस वन, ठीक है। प्लस का भी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का भी, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बट्टे में कॉस तो है पूरे के बट्टे में,
लॉस ऑफ आ जाएगा कॉस वी, तो यहाँ पर है वी कॉस वी प्लस वन माइनस के वी कॉस वी, वी कॉस वी से वी कॉस वी कटा, इधर क्या बचा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और यहाँ बचा एक के बट्टे में कॉस वी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तिरछी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस वी डी वी, और ये हो जाएगा डी एक्स से कम डी एक्स गुणे के इधर के बट्टे में होंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल भी हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वी, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, इंटीग्रेशन का तम सी जोड़ दिया। चूंकि वाई बराबर आपने वी एक्स माना था तो वी बराबर क्या हो जाएगा वाई बट्टे एक्स, तो ये हो जाएगा साइन वी की जगह पे वाई बट्टे एक्स। ये आपको आपका हल आराम से मिल जाएगा अवकल समीकरण का। ठीक है, ये आपको आपका क्या मिल गया, व्यापक हल। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ दें, अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए x ऊपर दिख रहा है, यानी कि हमें dx बटे dy लेने विशिष्ट हल निकालना है, कंडीशन दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ से देखिए dx बटे dy निकालना है, हमें दिया है। ठीक है, हमें क्या है दिया है करके लिखेंगे, क्या दिया है हमें 2y e की पावर x बटे y dx, और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ जाएगा 2x e की पावर x बटे y, और पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये है dy, सो आप देखिए ये गुणे के इधर के बट्टे में आ गया, dx बटे dy इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x ऊपर है। ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अवकल समीकरण देखो पहले, अब अगर अवकल समीकरण को ध्यान से देखोगे, ठीक है, सो यहाँ से आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रही होगी कि x की घात एक, y की घात एक, y की घात सौ, समघाती अवकल समीकरण है ये क्या है, समघाती है, और x के बट देखो x के x और बट्टे में कट के जीरो आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो सबके एक एक घात होगी। अगर आप समघाती दिखाना चाहते हो तो x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y रख के भी दिखा सकते हो, लैम्डा की पावर ऊपर नीचे से ऊपर स्टैक, लैम्डा की पावर जीरो आ जाएगी, तो समघाती है। तो हमें x बराबर क्या मानना होता है, x बराबर वी वाई मानना होता है, क्या मानना होता है वी वाई, और अवकलज करना होता है y के सापेक्ष डी एक्स बट्टे डी वाई। ये हो जाता है फिर पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा गुणे पहले का अवकलज, x बराबर वी वाई ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का, सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलज डी वी बट्टे डी वाई। इन दोनों के मान समीकरण एक में रख देना, अतः समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक में मान रख दो तो डी एक्स बट्टे डी वाई का मान है वी प्लस वाई डी वी बट्टे डी वाई, और यहाँ से देखो मान रखेंगे टू एक्स की जगह पे क्या रखना है वी वाई की पावर वी वाई बट्टे वाई, और वाई तो सिंपल रहेगा, फिर नीचे टू वाई एक्स की जगह पे रखना है वी वाई बट्टे वाई। ठीक है, ये हो गया वाई से वाई कटा, वाई से वाई कटा, यहाँ से देखो वाई ओ वाइनस्ट है तो यहाँ से बचेगा टू वी ए की पावर वी माइनस वन, यहाँ से देखो वाई टू ए की पावर वी, वाई से वाई कटा तो यहाँ से वाई डी वाई बट डी वी बट्टे डी वाई, टू वी ए की पावर वी माइनस वन, और ये प्लस का वी इधर के माइनस का हो गया, लॉस ऑफ आ जाएगा टू ए की पावर वी, इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा टू ए की पावर वी, ना कटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा वी भी तो है, ये प्लस का ये माइनस का कटा तो यहाँ से बचा माइनस के ये, और यहाँ से बचा ये, सिंपल हो गया एकदम, है कि नहीं, एकदम सिंपल हो गया। तो ये बट्टे के तरह के गुणे में रख जाएगा टू ए की पावर वी डी वी,
और डी वाई बट्टे का इधर के गुणे में आ गया और वाई गुणे का इधर के बट्टे में आ गया। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। ये चिन्ह मैं नहीं लगाता हूँ, आप लगा लेना, ठीक है। सो देखो, टू कॉन्स्टेंट बार ई की पावर वी का समाकलन ई की पावर वी होता है और ये हो जाएगा माइनस के लॉग वाई, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ठीक है। कंडीशन भी दे रखा है, वाई का मान वी का मान रखना है, क्योंकि एक्स बराबर वी वाई माना था तो वी बराबर क्या होगा, एक्स बट्टे वाई। तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ एक्स बट्टे वाई रख देना है। तो टू एक ही पावर वी था तो ये हो जाएगा एक्स बट्टे वाई माइनस लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें कंडीशन क्या दे रखा है, देखो एक्स का मान जीरो है, वाई का मान एक, रखो मान, तो एक्स का मान जीरो रख दो, एक ही पावर जीरो, वाई का मान एक, लॉग वन का मान जीरो होता है, किसी की पावर जीरो जीरो, तो ये आ गया एक, लॉग वन का मान जीरो, तो सी का मान आ गया दो। सी का मान उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका विशिष्ट हल मिल जाएगा, टू एक ही पावर में एक्स बट्टा वाई माइनस के लॉग वाई और सी का मान है दो। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करण दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स द्वारा प्रदत्त है, तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, वक्रों का प्रवणता बोल रखा है, प्रवणता का मतलब डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा प्रवणता के बारे में, प्रवणता बोले तो डी वाई बटे डी एक्स, वक्र की प्रवणता। तो हमें क्या दिया हुआ है, डी वाई बट्टे डी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये समघाती है, एक्स की घात दो है, वाई की घात दो है, एक्स और वाई की घात मिलाकर दो है, तो ये क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स के रूप में तुम क्या करते हैं, माना वाई बराबर वी एक्स और फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ये दोनों मान समीकरण एक में उठाकर रख देते हैं तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बटे डी एक्स का मान रखोगे ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और एक्स के जगह पे तो कुछ रखना ही नहीं है, वाई के जगह पर रखना है, स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में टू एक्स और वाई की जगह पर वी एक्स। ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर ओबनिस्ट है, नीचे से एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है। एक्स डी वी बट्टे डी एक्स वन प्लस वी स्क्वायर बट्टे टू वी, और ये प्लस का वी इधर के माइनस का हो गया, लॉस ऑफ आ जाएगा टू वी, इसके गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस के टू वी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा माइनस के वन अपॉन वी स्क्वायर टू वी। अब हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, एक्स वाला एक तरफ और वी वाला एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा टू वी बट्टे में वन माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, ठीक है। समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से इसका मानेंगे वी स्क्वायर का प्लस टू, टू तो है लेकिन माइनस नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस अब प्लस मिल रहा है लेकिन माइनस आ रहा है अलग से, ठीक है, माइनस आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, माइनस उपनिष्ठ ले सकते हो, माइनस अगर यहाँ से उपनिष्ठ लेंगे, जैसे यहाँ से माइनस उपनिष्ठ लेगा तो ये वी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस उपनिष्ठ लिया था वो इसको इधर भेज दो, ठीक है। अब नीचे वाला मानने से ऊपर पूरा अब प्लस मिल रहा है तो इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है, लॉग वी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के लॉग एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, सी जोड़ दो, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सी जोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो ये देखो ये हो गया लॉग वी स्क्वायर माइनस के वन, ठीक है। एक चीज़ ये करो कि ये भी लॉग में ये भी लॉग है तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी लॉग में ही जोड़ो, लॉग
सी वन, तो ये सही रहेगा। लॉग एम माइनस एन क्या होता है? लॉग एम, ठीक है, ये क्या होता है? देखो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का इसको इधर लेके आए, लॉग वी स्क्वायर माइनस वन, और ये यहाँ रहा, ठीक है। तो लॉग एम प्लस एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन, ठीक है, आप जानते हो लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम गुणा एन, ये एम की जगह पर था और ये एन की जगह पर, ठीक है। अब एंटी लॉग लेंगे, लॉग से लॉग हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? सी वन बराबर एक्स वी स्क्वायर माइनस वन, ये बचेगा, और आप जानते हो वाई बराबर आपने क्या माना है? वी एक्स, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वाई बट्टे एक्स, ये मान यहाँ रख दोगे एक्स, तो वाई की जगह पर रखोगे, स्क्वायर भी करोगे वी की जगह पर रखकर, तो यहाँ से आ जाएगा सी वन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स, एक पावर कम हो गया, तो ये इधर आ जाएगा सी वन और ये एक्स, और इधर आ गया वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। तो लेकिन आंसर में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो गुणा कर दो दोनों तरफ नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा माइनस के सी वन एक्स, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, माना सी वन को सी मान लो, ठीक है, सी वन को सी मान लो, तो सी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ वाले प्रश्न है ना, तो जब तक वो प्रूफ नहीं आ जाता ना, तब तक आपको हल करना ही पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसा ही क्वेश्चन हर साल आते ही आता है इस टॉपिक पर, वो है रैखिक अवकल समीकरण पर आधारित प्रश्न, आएगा ही आएगा, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोले, देखो ये अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ये अवकल समीकरण है, ये क्या है? रैखिक अवकल समीकरण है, ये है रैखिक अवकल समीकरण, जिसका रूप होता है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, ठीक है ना। अगर ये समीकरण वन है तो हमारे पास पी के स्थान पर क्या है, देखो वाई का गुणज माइनस के वन, और क्यू के स्थान पर क्या है? कॉश एक्स। हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, सूत्र होता है एक ही पावर में पी डी एक्स, यही होता है। पी का मान क्या? माइनस के वन वन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक ही पावर माइनस एक्स, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है। अवकल समीकरण का हल क्या होता है? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है एक ही पावर माइनस एक्स, क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा है कॉस एक्स, और एक ही पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ही पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब भी ऐसा ई एक्स आ जाता है ना, ऐसे फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं, आई वन मान लेते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन को अलग हल कर लेंगे, और फिर यहाँ पर माइन रखेंगे, मान रख देंगे, क्या है हमारे पास? कॉस एक्स एक ही पावर माइनस एक्स, आईलेट वाला नियम लगाते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेशन करना आता ही होगा आपको, फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन एक ही पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, और एक्स का माइनस वन वो बट्टे में आ गया, माइनस पहले वाले का अपक्रोच कॉस एक्स का अपक्रोच माइनस के साइन एक्स, और सेकंड का समाकलन एक ही पावर माइनस एक्स का समाकलन एक ही पावर माइनस एक्स बट्टे में माइनस वन आ गया एक्स का गुणज, पूरे का समाकलन, फिर कॉस एक्स एक ही पावर माइनस एक्स, ये माइनस लग गया, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव साइन एक्स एक ही पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसमें फिर सेकेंड लगेगा, आई वन है इस तरफ, ये आ गया माइनस के कॉश एक्स एक ही पावर एक्स, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट वैसे का वैसा, एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक ही पावर एक्स, एक्स का गुणज किया माइनस वन, सामने लग गया पहले का अवकलज, साइन का अवकलज क्या होता है? कॉश, एक ही पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक ही पावर माइनस एक्स, एक्स का गुणज माइनस वन है,
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ क्या है, फिर से वही है जिसे हम लेके चले थे। तो देखो ये आई वन ये किसके जगह पे आ जाएगा, आई वन है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस के आई वन इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस के आई वन। यहाँ क्या बचा देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स एंड इधर आ जाएगा कॉश एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा टू आई वन। ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो तो साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स, तो आई वन की वैल्यू क्या हो रही है, टू मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉश एक्स। आई वन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अतः समीकरण नंबर चार से, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था वाई ई की पावर माइनस एक्स, आई वन की वैल्यू हमें मिली है ई की पावर माइनस एक्स शाइन एक्स माइनस के कॉश एक्स बट्टे में दो प्लस सी। ये हमें हमारा जो हल है, ठीक है, व्यापक हल, वो आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, अब रैखिक वाले आ रहे हैं, देख के कैसे पता लगेगा रैखिक है, देखो डी वी डी एक्स दिख रहा है, इधर एक्स दिख रहा है, तो यहाँ एक्स है तो पहले एक्स से भाग देंगे, ठीक है, एक्स से भाग देने पर यहाँ लिख दोगे एक्स से भाग देने पर, क्योंकि डी वी बट्टे डी एक्स सिंगल चाहिए होता है, एक्स से भाग देंगे ये एक्स हट गया तो ये आ जाएगा दो बट्टे एक्स वाई, और यहाँ से एक एक्स क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है रखेगा अवकल समीकरण है, जहाँ पी के स्थान पर है दो बट्टे एक्स और क्यू के स्थान पर है एक्स, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इसको स्टो क्यू से करने पर, तो पी के जगह पर दो बट्टे एक्स है, क्यू की जगह पर एक्स है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सूत्र होता है पी की पावर पी डी एक्स। ठीक है, पी का मान क्या है, देखो दो बाहर आ जाएगा एक बट्टे एक्स डी एक्स, तो ई की पावर एक बट्टे एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग एक्स, और आप जानते हैं एम लॉग एन जो होता है वो होता है लॉग एन की पावर में एम, तो ये टू यहाँ पावर में आ जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स की पावर में आ जाएगा टू, और आप ये जानते हैं ई की पावर लॉग एक्स सिंपल एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आ गया हमारा वो हमें मिला एक्स स्क्वायर। अब मैं निकालने अतः अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल निकालना है, तो अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये होता है। सो देखो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास देखो सिर्फ एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की घात तीन, तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर फोर बट्टे में फोर प्लस सी, तो ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल गया, ये हमें हमारा क्या मिल गया व्यापक हल। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, रैखिक अवकल समीकरण से आधारित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है 100% है आएगा ही आएगा। उदाहरण नंबर 16 आ जाओ, उदाहरण नंबर 16 आ जाओ, कह रहे अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ये जो अवकल समीकरण में दे रखा है इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो सिर्फ शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो सबसे पहले आप चीज़ ये देखो, यहाँ पर क्या है वाई डी एक्स और ये नेगेटिव वाला उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो गया, ये डी एक्स गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ वाई बचा तो ये आ जाएगा एक्स टू वाई स्क्वायर, इधर आ गया डी वाई, इधर आ गया डी एक्स, लेकिन देखिएगा उसका बड़ा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा इसको इधर ले जाऊँगा डी एक्स बट्टा डी वाई, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, ठीक है, और डी और यहाँ पर है वाई, यहाँ पर है एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर बचा। अब मैं क्या करूँगा दोनों तरफ वाई से भाग दे दूँगा, वाई से भाग दूँगा, यहाँ बचेगा डी एक्स बट्टे डी वाई,
यहाँ लिखना वाई से भाग देने पर, वाई से भाग देने पर, और इधर क्या हो जाएगा देखो, एक्स बट्टा वाई हो जाएगा और इधर एक वाई कम हो जाएगा, टू वाई। ठीक, डी एक्स बट्टे डी वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। अब ये प्लस के एक्स बट्टे वाई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के, और यहाँ बचेगा टू वाई। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है किस रूप का, ये डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का। ठीक है, हमारे पास p के स्थान पर माइनस के एक बट्टे वाई और q के स्थान पर टू वाई। ठीक है, ये dx एक्स बट्टे डी वाई वाला रैखिक अवकल समीकरण है। तो हमें क्या निकालना है, इंडिकेटिंग फैक्टर इसमें भी निकालना होता है। एक ही पावर में p डी वाई लेते हैं इसमें, ठीक है, p डी वाई लेते हैं। अच्छा, p कितना है हमारे पास, माइनस के एक बट्टा वाई, ठीक है, डी वाई। तो ये हो जाएगा एक बट्टे वाई का होता है लॉग वाई, ठीक है, और माइनस वन गुणे में लिख सकते हो, तो माइनस वन पावर में आ जाएगा, एक ही पावर लॉग वाई की पावर माइनस वन, तो ये आ जाएगा वाई की पावर माइनस वन बचेगा, एक ही पावर लॉग एक्स, एक्स होता है यहाँ, एक्स की जगह पे वाई की पावर माइनस वन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बट्टे वाई। ठीक है, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो अतः अवकल समीकरण का हल क्या होता है, इसमें x है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई होता है यहाँ पर, dx नहीं, प्लस c, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो भाई, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, एक बट्टे वाई, क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले लिख दिया, क्यू हमारे पास है प्रश्न में टू वाई, वाई से वाई का टर्म प्लस सी, तो टू बचा सिर्फ डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, और यहाँ एक्स बट्टे वाई, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल गया। बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। ये भी रखिए अवकल समीकरण का है, लेकिन इसमें विशिष्ट हल पूछा है और कंडीशन हमें ये दे रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखने को आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स, चूँकि पी के स्थान पर क्या है कॉर्टेक्स, और क्यू के स्थान पर क्या है ये पूरा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉर्टेक्स, ये क्यू के स्थान पर है। डी वाई बटा डी एक्स, तो हमें पहले क्या निकालना है, एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसका सूत्र होता है एक ही पावर में पी डी एक्स। तो p हमारे पास है कॉर्टेक्स, कॉट का मतलब लॉक शाइन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉर्टेक्स का होता है एक की इंटीग्रेशन एक लॉक शाइन एक्स, एक ही पावर लॉग एक्स क्या होता है x, और x की जगह पर यहाँ पर क्या है शाइन एक्स, इंडिकेटिंग फैक्टर तो साइन एक्स मिल गया। अब हमें क्या निकालना है हल, अतः अवकल समीकरण का हल, सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। सो देखो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है साइन एक्स, क्यू क्यू हमारा है 2x x स्क्वायर कॉट एक्स, और ये क्या है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो, साइन एक्स अंदर गुणा कर दोगे, 2 बार x साइन एक्स डी एक्स, और ये जो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, साइन साइन कट जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो कॉट एक्स क्या होता है, कॉस बट्टे साइन, साइन साइन कटक सिर्फ एक्स कॉश एक्स बचेगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इस आई लेट नियम लगा हुआ, आई लेट, ठीक है, इंटीजर इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, नियम लगाना है हमें। तो टू, देखो टोटल के बाहर टू है, फर्स्ट
वैसे का वैसे सेकेंड का समाकलन, साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई लेट ठीक है, यहाँ पर आ गए। उसके बाद देखो कहीं दिक्कत कोई परेशानी, अब इसको रहने देते, इसको ही सॉल्व करेंगे, देखना इससे ये ना कट जाएगा कभी अभी आके। अब देखो फर्स्ट ने सेकंड माना, पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज, एक्स का अवकलज साइन एक्स का अवकलज क्या होता है? कॉश एक्स। आई लेट ऐसे तो होगा नहीं। ठीक एक सेकंड, अगर मैं नियम के विपरीत चल के थोड़ा मान लो, इसको फर्स्ट इसको मान लूँ सेकंड इसको मान लूँ, देखो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये दो सामने टोटल के बाहर रखा है, ठीक है ध्यान से देखना। फर्स्ट ये है साइन एक्स, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर बट्टे दो, इंडिकेशन इसका हो जाएगा। फिर पहले का अवकलज साइन एक्स का अवकलज कॉश एक्स, और दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बट्टे में दो। भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया इससे, ऐसे करने से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो ये टू है, इस टू से ये टू कटा, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का, सेम टू सेम इंडिकेशन कटा, तो यहाँ से क्या बचा? इस टू से ये टू कट जाएगा, इस टू से ये टू भी कट जाएगा, तो यहाँ से बचा सिर्फ शाइन एक्स गुणा एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ बचा वाई शाइन एक्स, ये फायदा हो गया, यह हल हो गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मैं क्या बोलूँगा, y को मैंने जीरो मान लिया है और x को मैंने पाई बाई टू मान लिया, मान लिया कि प्रश्न में ही दे रखा है। अब रखो y के जगह पर जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। सो x के जगह पे क्या रखना है, सॉरी x के जगह पे पाई बाई टू रखना है, यहाँ पर पाई बाई टू है, पाई बाई टू, ठीक। तो देखो ये हो गया ज़ीरो, और साइन पाई बाई टू का मान एक होता है, और ये है पाई स्क्वायर बट्टे में दो का वर्ग चार, तो c का मान आ जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर बट्टे में फोर। c का मान उठाकर यहाँ रख दोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, अतः आंसर आ जाएगा वाई साइन एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर, सी का मान है माइनस के पाई स्क्वायर बट्टे में चार। ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है, सत्यापित कीजिए कि वाई इस चीज़ का अवकल समीकरण का हल है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन अपने स्टार्टिंग में किया था, इसका दो बार अवकलज करना है, एक बार दो बार अवकलज करना है, यहाँ पर मान रखना है और इसको हल करना है। वाई का मान यहाँ रखना है, यहाँ डी वाई बटी डी एक्स का मान रखना है, यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मान रखना है। हल करोगे आपका दायां पक्ष क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, सिंपल है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। कह रहे हैं अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण विशिष्ट हल याद कीजिए, दिया हुआ है कि वाई बराबर जीरो पर एक्स का मान जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, देखो हमें क्या दे रखा है, लॉग है, लॉग के अंदर है डी वाई बटा डी एक्स, और ये थ्री एक्स प्लस फोर वाई, हम लेंगे एंटी लॉग, जैसे ही एंटी लॉग लेंगे एक ही पावर में आ जाएगा, और एक की पावर लॉग एक्स ओनली एक्स होता है, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बचे और ये एक ही पावर में चला जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई। आप जानते हैं एक ही पावर एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक ही पावर एक्स इंटू एक ही पावर वाई होता है, तो यहाँ से आ जाएगा एक ही पावर थ्री एक्स इंटू एक ही पावर थ्री वाई, ठीक। तो वाई वाला देखो ये बट्टे का गुणे का इधर के बट्टे में आ गया,
और ये बट्टे का इधर आके गुड़े में आ गया, ये बट्टे वाला ऊपर जाके नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई वाला वाई तरफ आ गया, एक्स वाला एक्स तरफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, कर दो समाकलन, एक ही पावर जो भी हो उसका समाकलन वही होता है, और वाई का गुणज माइनस तीन है वो बट्टे में आ जाएगा, एक ही पावर थ्री एक्स का समाकलन, एक ही पावर थ्री एक्स, एक्स का गुणज तीन है वो बट्टे में तीन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, और यहाँ प्लस में सी जोड़ देंगे, सी हमारा समाकलन नितांक है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला है वाई का मान जीरो है और एक्स का मान जीरो है, तो देखो एक वाई के जगह पे जीरो रखा और एक्स के जगह पे भी जीरो रखा, तो देखो किसी की पावर जीरो उसका मान एक होता है, ये है माइनस के एक बट्टे तीन, और ये आ जाएगा प्लस के एक बट्टे तीन, क्योंकि ए की पावर जीरो वन होता है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के एक बट्टे तीन, ये भी हो जाएगा माइनस के एक बट्टे तीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के दो बट्टे तीन सी का मान, तो सी का मान उठाकर समीकरण एक में रख दो, हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा, तो ए की पावर माइनस के थ्री वाई, ए की पावर थ्री एक्स बट्टे में तीन, और सी का मान है माइनस के दो बट्टे तीन, तीन सबके बट्टे से गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस के थ्री वाई, ए की पावर थ्री एक्स माइनस टू, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे ये जो अवकल समीकरण है इसको हमें हल करना है सिर्फ। आपको देख के लग रहा होगा भाई कितना ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमने प्रश्नावली में भी किया हुआ है। देखो वाई ऊपर है एक्स नीचे है, तो हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, ये आइडिया लग गया। ठीक है, तो पहले अंदर गुणा करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ डी वाई दिखाएं, यहाँ डी वाई दिखाएं, ठीक है, यहाँ डी एक्स है और यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स को एक तरफ रखो, डी वाई को एक तरफ रखो। देखो एक्स इससे गुणा भी होगी ना अंदर, तो डी वाई हमने अंदर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो एक्स वाई शाइन वाई बट्टे एक्स। ठीक है, ये इससे गुणा हो गया, और डी एक्स डी वाई चाहिए ना आपको, ये डी वाई है, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, एक्स गुणा एक्स, एक्स के स्क्वायर कॉश वाई बट्टे एक्स, तो यहाँ से हमारा डी वाई उभयनिष्ठ है, यहाँ से हमें डी एक्स निकालना है, डी एक्स वाई एक्स कॉश वाई बट्टे एक्स। अब देखो यहाँ से डी एक्स यहाँ दिख रहा है, ये नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वाई स्क्वायर वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर शाइन वाई बट्टे एक्स, ये डी एक्स गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये जो गुड़े में उधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ये आ गया वाई एक्स कॉश वाई बट्टे एक्स, एक्स वाई शाइन वाई बट्टे एक्स, एक्स स्क्वायर कॉश वाई बट्टे एक्स। ठीक है, ये हमें मिल गया, तो ये एक समघाती अवकल समीकरण है, ये एक समघाती अवकल समीकरण, देख के पता लग गया, वाई और एक्स की घात मिला के दो, इसकी घात दो, इसकी दो मिलाकर और इसकी भी दो, सबकी दो दो घात है, तो ये समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, ये हमारा समघाती अवकल समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, माना डी वाई बटा डी एक्स है ना, माना वाई बराबर वी एक्स, और हम क्या रखते हैं डी वाई बटा डी एक्स के स्थान पर, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलज, ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे, अतः क्या हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, वाई की जगह पर क्या रखना है वी एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर कॉश वी एक्स बट्टे एक्स, यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर शाइन वी एक्स बट्टे एक्स, एक्स वाई की जगह पर रखना है वी एक्स शाइन वी एक्स बट्टे एक्स कॉश वी एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, ये हमने रख दिया।
अब आप देखो भाई, एक्स स्क्वायर ऊपर से ओपन स्ट आएगा यहाँ से भी और यहाँ से, और उसके साथ साथ एक्स एक्स कटा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ओबेनिस्ट आके वो कैंसिल हो गया, तो बचा के हमारे पास यहाँ से बचेगा वी कॉस वी, यहाँ से वी स्क्वायर और साइन वी, और यहाँ से वी साइन वी, और यहाँ से सिर्फ कॉस एक्स स्क्वायर, तो कट यहाँ सिर्फ कॉस वी बचेगा, ठीक है। यहाँ एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और प्लस का वी इधर आके माइनस का वी, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ओके। अब देखो हल करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा वी साइन वी माइनस के कॉस वी, वी से गुणा करेंगे, वी गुणा वी वी स्क्वायर साइन वी, माइनस माइनस प्लस वी कॉस वी, तो कुछ कट पिट रहा है क्या। सो देखो वी स्क्वायर साइन वी, वी स्क्वायर साइन वी, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का आ गया, इससे ये कटा, वी कॉस वी, वी कॉस वी, ये आ गया टू वी कॉस वी, यह वी साइन वी माइनस के कॉस वी, एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, बट्टे में टू वी कॉस वी, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है, और डी एक्स बट्टे एक्स, अलग अलग बट्टे ले लो। देखो यहाँ से वी साइन वी टू वी कॉस वी, ठीक है, और अलग अलग बट्टे लेके इंटीग्रेशन भी कर दे रहे साथ ही साथ, ये हो जाएगा कॉस वी टू वी कॉस वी डी वी, ठीक है। अलग अलग बट्टे ले लिया, वी से वी कटा और यहाँ से कॉस कटा, यहाँ पे क्या बचा देखो, ये एक बट्टे दो बाहर, साइन बट्टा कॉस टेन वी, और यहाँ से सिर्फ वन बाई टू वन बाई वी डी वी, सिंपल। अब इसका आगे हल करते हैं, वन बाई टू टेन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में लिखोगे तो लॉग सेक वी होता है, ठीक है। वन बाई टू इधर भी है, वन अपॉन वी का क्या होता है लॉग वी, और इधर है लॉग एक्स, ठीक है। व्यापक हल ही निकालना है, सब लॉग लॉग में आ रहा है तो इसको भी मैं लगे हाथ लॉग जोड़ देता हूँ, लॉग सी वन। देखो वन बाई टू कॉमन है तो यहाँ से बचेगा लॉग सेक, और ये है लॉग वी, लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इन टू एन, और ये हो जाएगा एक्स सी वन, ठीक। ये एक बट्टे दो है तो पहले यहाँ देखो, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस एन क्या होता है लॉग सेक बट्टे वी हो जाएगा लॉग एक्स सी वन, और ये पावर में आ जाता है, ठीक है, लॉग सेक वी बट्टे वी, और ये पावर में आ गया, दोनों तरफ लॉग है, एंटी लॉग लेंगे, लॉग से लॉग कटा, ठीक है। वी का मान रख देंगे, हमने वाई बराबर क्या माना था, वाई बराबर वी एक्स माना, तो वी का मान क्या होता है वाई बट्टे एक्स, तो सेक वाई बट्टे एक्स वाई बट्टे एक्स, और यहाँ से एक्स सी वन, ये हमें हमारा व्यापक हल बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें।